और भाई साहब ये जो गाड़ी है ना ये इतनी नीची है और इतना जबरदस्त तरीके से भागती है, ड्रिफ्ट कटाने में तो गाइस जो है अलग ही मजा यहाँ पर आ जाता है। तो भाई साहब जो गाड़ी है ना वो गोबर के पास में आके रुक गई थी, मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी यहाँ पे। तो गाइस आप सबको पता है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर क्या खास है, भाई साहब गाड़ी तो गाड़ी होती है। अगर आप गाड़ी के टायर्स देखोगे तो टायर्स होते हैं गोल गोल जिन पे गाड़ी चलती है। इनफैक्ट दुनिया की हर एक गाड़ी भले वो छोटी हो, वो बड़ी हो, वो दो पहिए की हो, चार की हो, दस की हो, पचास पहिए की हो, कितने भी पहिए की गाड़ी हो, चाहे रथ हो, सारे गोल पहिए पे चलते हैं। लेकिन गाइस कैसा होगा अगर हमारी जो गाड़ी के टायर्स हैं वो राउंड ना हो करके कुछ और शेप के रहें, जैसे कि स्क्वायर शेप के रहें, स्क्वायर यानी कि चौकोर, तो कैसा रहेगा? तो गाइस आज हम यही एक्सपेरिमेंट जो है करने वाले हैं। चीज़ जो है वो हमें भी नहीं पता कि आखिरकार कितनी काम करेगी या नहीं करेगी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है ये जानना कि अगर गाड़ी के अंदर गोल टायर की जगह लगा दिए जाएं स्क्वायर टायर्स यानी कि चौकोर टायर्स, तो वो कैसा बिहेव करेगी, गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर उचक उचक के चलेगी, या फिर बिल्कुल ही फेल हो जाएगी, या फिर हो सकता है पता नहीं नॉर्मली चल जाए, कुछ नहीं पता यार गाइस। ये तो एक्सपेरिमेंट है, तो हमारा काम है तो हम करेंगे। आप लोगों का काम है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना। तो गाइस सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। पता है ये वीडियो गाइस हम 3 दिन पहले शुरू कर चुके हैं इसको बनाना, तो आज तो फाइनल रिजल्ट की बारी है, मेहनत पहले से चालू है। लाइक का बटन ठोक देना, फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों जो गोल टायर होता है वो तो हर जगह होता है, लेकिन स्क्वायर टायर इसकी जगह लगाना भी एक चैलेंज था और हमको ये चीज़ भाई हर हाल में ट्राई करके देखनी थी कि कैसा रहेगा अगर एक चौकोर टायर इसमें लगेगा। तो हमने जो है स्क्वायर टायर जो है वो रबर से या स्टील से नहीं बनाया गाइस, सबका कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमने मेन जो मटेरियल यूज़ किया वो किया लकड़ी का। सबसे पहले हमने प्लाई बोर्ड्स को जो है स्क्वायर शेप में काट लिया 17x17 इंचेस के, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो लगभग जो है 17 इंचेस के आसपास में है, तो ये इसमें फिट आ जाएगा। उसके बाद में हमने 3-3 प्लाईज को फेविकोल से जोड़ करके उसमें एक लोहे की प्लेट लगा करके इस तरीके से होल्स बनाए जिससे वो टायर के जैसा ही दिखे। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमने पूरा जो सिस्टम उसको तैयार कर लिया। और गाइस अब जो टायर है उसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, जो कि फिलहाल इसी गाड़ी की डिग्गी में रखा है। और यहाँ पर है गाइस हमारी गाड़ी का टायर। इन स्क्वायर टायर्स को जो है लगाएंगे भाई साहब गाड़ी के अंदर। आप लोग देखो टायर की तरह इसमें 4 होल्स भी हैं ताकि जो है इसको गाड़ी के अंदर फिट किया जा सके। तो फटाफट से जैक लगाओ, गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ और इसमें इस टायर को निकाल के लकड़ी का स्क्वायर टायर फिट करो। फाइनली जो गाड़ी है वो तैयार हो गई है, जो कि है गाइस यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हो कि जो टायर्स हैं वो फिलहाल राउंड से बदल करके स्क्वायर्स हो गए हैं। और आप देखो भाई साहब जो शेप है गाड़ी की वो बहुत ही अलग दिख रही है। देखो यार जो गाड़ी है ना वो बिल्कुल ही अलग दिख रही है। इनफैक्ट उस साइड में भी हमने जो चारों टायर्स है चारों को ही चेंज कर दिया है। और आप लोग देखो भाई 3 दिन के बाद में आखिरकार स्क्वायर टायर लगने के बाद में जो गाड़ी की लुक है वो यार कुछ बिल्कुल ही यूनिक लग रही है। नॉर्मल दिखती है ऊपर ऊपर से, नीचे से ऐसा लगता है कि ये गाड़ी पता नहीं चलती ही नहीं होगी, किसी स्टैंड पे खड़ी है। लेकिन गाइस ये जो है स्टैंड नहीं है, ये असली के सच्ची मुच्ची के टायर्स हैं। तो हम करेंगे गाइस इसको टेस्ट और देखते हैं कि क्या हमारा ये जो जुगाड़ है ये चल पाएगा और क्या हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो पाएगा। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट्स में बता देना अभी की अभी, बाद में तो पता लग जाएगा। अभी बताओ चलेगा या नहीं, बस यस और नो, बस इतना बताना है कॉमेंट्स में, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो गाइस सब लोग। ठीक है, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। चलो तो गाइस हैंड ब्रेक हटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और धीरे धीरे रेस मारूंगा और अरे गाइस गाड़ी नहीं चल रही। ओए उठने की कोशिश कर रही है। अरे यार गाइस गाड़ी उठने की कोशिश कर रही है साफ साफ। ओए
ऐसा लग रहा है ब्रेकर पे चढ़ रही है। क्या हुआ, कुछ टूट गया कि निकल गया? पता नहीं, मेरे को झटका सा लगा, ऊंची नीची हो गई एक बार में, चल रहा हूं। और क्या हो रहा है, कभी ये कभी वो, इधर उधर ऐसे ऊंची नीची हो रही है, गाड़ी चला रहा हूं ना। उत्तरी गाइस, जो गाड़ी है वो इतनी चल पाई है, एक झटका ही मारा है, थोड़ा सा और चलाते हैं। दो कदम और चली है, कदम कदम करके चल रही है गाइस। यहां पर जो गाड़ी है, ओए अरे बहुत तेज हिलती है भाई। गाइस जो गाड़ी है वो तेरी, इतना सा दूर चलने में धुआं उठ गया और गाड़ी ऐसे 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 उछल उछल के चल रही है। मुझे फील हो रहा है अंदर की क्या हो रहा है, स्टेयरिंग तो काम कर रहा है गाड़ी का, देखो अभी इधर घुमा हुआ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे उछल के बाहर कैसा दिख रहा था यार, मैं देखना चाहता हूँ एक बार दिखाओ मेरे को। उत्तरी 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 उत्तरी, अरे वाह, चलो 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 थोड़ा सा और चलाते हैं यार, बहुत जबरदस्त दिख रहा है भाई। और चल गई गाड़ी कम से कम 15-20 फीट। तो भाई फिर से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हाई गियर लो गियर में लेनी पड़ती है ज्यादा रेस पे, और तब जो गाड़ी है तब जो है थोड़ी सी चल पाती है। और फिलहाल क्या हो रहा है भाई, मैं ऐसे हिलता हूँ जैसे भूकंप आ रहा है। भाई पीछे क्या हो रहा है, मिट्टी फेंक रही है, मैंने हाथ यहाँ किया, इतना तेज मिट्टी हाथ के आगे लग रही है। और गाइस जो टायर्स की हालत है वो कोने कोने से देखो, जो यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर है वहाँ से थोड़ी सी बिगड़ गई है। रीज़न आप समझ सकते हो कि जो ज़्यादा जोर है वो आ रहा है गाड़ी के जो कॉर्नर है, जो टायर है उसका। लेकिन सोचो कि गाड़ी चल रही है और इतना भयानक तरीके से चल रही है ऐसे ऐसे होके, भाई साहब ऐसा तो कभी नहीं होता, इतना ख़राब कोई रोड नहीं होता। तो स्क्वायर टायर्स पे गाड़ी चल तो सकती है, लेकिन जो चल रही है भाई वो चलाने लायक है नहीं, सही बताएं। चले थोड़ा सा और जो है चलाते हैं रिवर्स में। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, इतना खतरनाक तरीके से भाई साहब ये जो है मिट्टी फेंकती है। क्या बात है क्या बात है, आगे के टायर जो है वो ज्यादा शैतानी करते हैं और पीछे वाले जो है वो थोड़े ठीक ठाक चलते हैं। ओहो अरे बंद हो जाती है यार, कोई नहीं फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस गाड़ी को। अरे यार थोड़ी थोड़ी चल के बंद हो रही है, स्टार्ट हो जा, हो गई चल गई। सेकंड गियर, गाड़ी बंद होते होते बची है गाइस। पता है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या चला रहा हूँ, कितनी बड़ी कोई मशीन चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ। ओ गाइस पीछे के टायर की जो हालत है वो तो सही है, इसके कॉर्नर्स भी ठीक हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, आगे के पहिए से पावर मिलती है, इसीलिए जो आगे के पहिए हैं वो देखो यहाँ से डैमेज हो रहे हैं। ये देखो जिनके जो कॉर्नर्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। और इस साइड में देखते हैं क्या हाल है गाइस, इस साइड में भी जो है कुछ ऐसा ही हाल है, और इसने कहीं ना कहीं हमारे इसको भी उखाड़ लिया है, जो मडगार्ड होता है गाड़ी का उसको भी उखाड़ लिया है। लेकिन भाई साहब इतना जबरदस्त तरीके से चल रही है, और वहाँ से गाड़ी जो है चल के यहाँ ही वहाँ इतनी मिट्टी अभी भी उड़ रही है, क्या बात है। थोड़ा सा और चलाते हैं और मज़े लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना देर तक सस्टेन कर पाता है या फिर ये जो है टूटेगा ही नहीं। चलो 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 चलो, सीधा सीधा कर लो। वाह अब तो नॉर्थ और स्पीड बढ़ाओ गाइस, जो गाड़ी है वो कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर चल रही है यार। गाइस आओ देखो, ओए 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 पत्थर फेंक रही है।
ओ तेरी ओए हो 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 हो। अरे कुछ नहीं दिख रहा है, धुआं इसमें से आ रहा है कि हवा का कहां से आ रहा है, ये इतनी मिट्टी उड़ गई इससे। ओहो ये है गाइस पर्सनल क्लाउड मेकर। यहां पर देखो ऐसा लग रहा है जैसे जो बादल है वो जमीन के ऊपर उतर आए हैं। ओ तेरी, और पता है इधर आओ गाइस जो टायर है वो यहाँ पर। अरे यार तू तो अंदर बैठा था। ये देखो यहाँ पर देखो जो टायर्स हैं उनके कॉर्नर्स घिस गए हैं, और भाई साहब जो स्क्वायर टायर्स थे वो अब कहीं ना कहीं राउंड हो चुके। एक सेकंड जो कैमरा है गाइस इधर करो, जो कैमरा है उस पर इतनी ज्यादा मिट्टी जम गई है। यहाँ पर जो हमने स्क्वायर टायर बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था, जो सोचा था, वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर तैयार है और इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर काम करी है भाई। यहाँ पर जो गाड़ी है उसने कई राउंड लगाए, उधर जो अभी तक धुआं है मतलब जो मिट्टी है वो अभी तक वहाँ पर घूम रही है उड़ उड़ के, जो कि यहाँ से उड़ के गई है जो इस गाड़ी ने उड़ाई है। तो कुल मिलाकर के जब हम स्क्वायर टायर लगाते हैं तो नॉर्मल कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है। गाड़ी भले आप चिकने रोड पे या कहीं भी चलाओ, गाड़ी ऐसे चलेगी जैसे सबसे दुनिया की ख़राब सड़क के ऊपर चल रही हो, लेकिन ये ज़रूर है कि गाड़ी चल सकती है। अगर रोड होगा और जो टायर्स है वो रबर वगैरह के होंगे तो इससे बढ़िया चल सकता है, लेकिन अगर जो टायर्स है वो मेटल वगैरह के होंगे तो वो रोड को ही तोड़ देंगे क्योंकि झटके बहुत ज़्यादा मारती है। और गाड़ी के अंदर भी जो है भाई, अगर ऐसे गाड़ी चल गई 2-4 दिन तो 2-4 दिन में गाड़ी जो है वो खटारा हो जाएगी, हिल हिल के, इतना ज़्यादा ये हिलती है। लेकिन गाइस हमारा काम था टेस्ट करना, हमारा काम होता है यहाँ पर गाइस पूरा, क्योंकि हमने जो गाड़ी है उसको चला दिया है स्क्वायर टायर्स लगा के। तो आपका काम गाइस अब बचा है वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना, और आपने पहले क्या बताया था गाड़ी चलेगी या नहीं, गाइस रिजल्ट ये है कि गाड़ी चल गई है बढ़िया से, ठीक है। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना भी जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। ये पता आज नहीं बनी गाइस, इसको हम 3 दिन से बना रहे थे, इसके टायर्स को बनाने में काफी टाइम लगा, लेकिन आज जाकर के आइडिया जो है वो सक्सेस हुआ है, और जब ऐसा होता है तो मजा आ जाता है, ठीक है। लाइक का बटन दबा देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मजेदार ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।